hello students i welcome all of you on my youtube channel education highway today we are going to read remaining part of this lesson the landscape of the soul we have read first part of this lesson in first class it is second class of that lesson this lesson is related to 11th class up board and cbse board both this lesson has been taken in the new syllabus by up board in this year for 11th class student let us read the text of that lesson इन द चाइनीज स्टोरी चाइना की कहानी में द इम्प्रर कमीशंस ऑफ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीरेंस जो वहाँ का सम्राट होता है वो आदेश देता है कमीशंस करता है कि एक पेंटिंग बनाई जाए और उस पेंटिंग के बाहरी आवरण की प्रशंसा करता है अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीरेंस उसके बाहरे रूप बाहरी रूप की बाह्य रूप की प्रशंसा करता है अप्रिसिएट करता है बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क लेकिन जो कलाकार होता है पेंटर होता है वो अपने पेंटिंग का सही अर्थ इम्पर को समझाने की कोशिश करता है कि इम्परर महाशय आप जो मेरे पेंटिंग को बाह्य रूप से केवल देख रहे हैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने क्या समाहित कर दिया है वही केवल मेरी पेंटिंग का मतलब नहीं है आप मेरी नज़र से देखें मैं आपको इस पेंटिंग के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पर फिर से देख सकते हैं बट द आर्टिस्ट रिबील्स हिम टू ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क जो कलाकार होता है जो पेंटर होता है वो इम्परर को अच्छी मतलब समझाता है अपनी पेंटिंग का कि उसने अपनी पेंटिंग के माध्यम से इम्परर को क्या सूचना देने की कोशिश की है क्या शिक्षा देने की कोशिश की है द इम्पर में रूल ओवर द टेरिटरी इम्परर को वहीं पर ही शासन करना चाहिए जिस क्षेत्र को उसने स्वयं जीता हो ही हैज कांकर्ड जिसको उसने स्वयं जीता हो इम्पर में रूल इम्पर शासन कर सकता है ओवर द टेरिटरी उस टेरिटरी पर शासन कर सकता है ही हैज कांकर्ड जिसको उसने स्वयं जीता हो बट द ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे इन लेकिन उस चित्र के बारे में जिसकी वो एक्सप्लानसन कर रहा है केवल आर्टिस्ट ही जानता है कि वो कैसे समझाया जाए और कहाँ पर देखने के बाद इम्पर को पता चलेगा कि चित्र उन्हें यह शिक्षा देता है कि अपने जीते हुए क्षेत्र पर ही शासन करना चाहिए यहाँ से लेट मी सो द बे आर्टिस्ट कहता है कि मुझे बताने दीजिए ना कि मैं क्या आपसे कहने जा रहा हूँ दाऊ के ये शब्द हैं दाऊ जो पेंटर है उसके ये शब्द हैं लेट मी सो द बे अब यहाँ पर जो वर्ड है बे अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ आर द मैथड जो बे शब्द है इसका मतलब एक तो रास्ता होता है दूसरा मतलब क्या होता है मैथड तरीका होता है एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स और क्या हो सकता है इस ब्रह्मांड को समझने का एक रहस्य ये भी हो सकता है दाऊ ने क्या कहा कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरे चित्र में क्या समाहित है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चित्र में ब्रह्मांड को समझने का रहस्य समाहित है जो मैंने आपको यहाँ पर प्रजेंट किया है क्योंकि चित्रकार ने इम्परर के आदेश पर ही वो चित्र बनाया था और इम्परर ने उसके वाह्य आवरण की केवल प्रशंसा की थी आगे देखते हैं द पेंटिंग इज गान पेंटिंग तो लुप्त हो गई वो चित्र जो है वो लुप्त हो गया बट द आर्टिस्ट हैज़ रीचड इट्स गोल लेकिन आर्टिस्ट जो है अपने गोल को प्राप्त कर लिया अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हीज गोल आर्टिस्ट को अपना लक्ष्य मिल गया बियान्ड एनी मटेरियल अपीरेंस बिना किसी भौतिक प्रतीत के बिना किसी भौतिक आवरण के जो है चित्रकार को अपना लक्ष्य मिल गया वो जो इम्पर को चित्र के माध्यम से समझाना चाहता था उसने उस चीज को समझा दिया नया पैराग्राफ अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र के माध्यम से चित्र में वास्तव में दृश्य का वर्णन करना चाहता है केवल उसका चित्र को रिप्रोड्यूस करना पुनः बनाना या मनोरंजन करना चित्र के माध्यम से एक शास्त्रीय चीनी चित्रकार का ये उद्देश्य नहीं होता है जैसा कि एज़ उड आ वेस्टर्न फ्यूगरेटिव पेंटिंग जैसा कि वेस्टर्न के फ्योगेटिव पेंटिंग में होता है एज उडा वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह जो शास्त्रीय चीनी भूदृश्य हैं उनका अभिप्राय वास्तविक दृश्य का चित्रण करना केवल नहीं है चित्र को प्रकट करना केवल नहीं है लेखक यहाँ कहता है कि चाइनीज जो पेंटर हैं उनका वेस्टर्न पेंटर की तुलना में चित्र में बहुत सारे मतलब पैदा करना है ऐसे समझ लीजिए फिर यहाँ से वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो हिज आइज यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि आप उसकी आँख को उधार ले लें कहने का मतलब कि आप उसकी पेंटिंग को उसके दृष्टिकोण से देखें उधार ले लें ठीक है बारो हिज आइज आगे फिर लिख रहा है एंड लुक एट द पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सो सा इट और फिर उसके लैंडस्केप को उसके भूदृश्य को आप उसी तरह से देखें जैसा कि वह पेंटर आपको दिखाना चाहता है जो यूरोपियन पेंटर है लेखक कहता है वह अपनी पेंटिंग में ये चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग को उसकी नज़र से देखें फ्राम अ स्पेसिफिक एंगल एक विशेष एंगल से ही देखें जिस एंगल को लेकर के उस पेंटर ने उस पेंटिंग को भूदृश्य को लैंडस्केप को बनाया है आगे फिर हम देखते हैं द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट लेकिन चाइनीज पेंटर जो है वो सिंगल व्यू पॉइंट को चुन करके पेंटिंग को नहीं बनाता है एक चाइनीज चित्रकार किसी एक उद्देश्य को लेकर के पेंटिंग को नहीं बनाता है लेखक कह रहा है हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन उसका जो भूदृश्य है लैंडस्केप भूदृश्य है वो किसी एक उद्देश्य पर नहीं होता है यू कैन इंटर इन इट आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं फ्राम एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं देन ट्रेवल इन इट और उसमें ट्रेवल कर सकते हैं उसमें घूम सकते हैं चित्र को देख सकते हैं द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन आर्टिस्ट जो है चाइनीज जो आर्टिस्ट है वो अपने चित्रों में ऐसे मार्ग बनाता है कि आप चित्र को देखते समय ऊपर नीचे जा सकते हैं भूदृश्य में ऐसे चित्र पैदा करता है लैंडस्केप में कि आप ऊपर नीचे जा सकते हैं एंड देन बैक अगेन और पुनः वापस आ सकते हैं इन अ लेजरली मोमेंट बड़े फुर्सत से आप वापस आ सकते हैं दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल ये बहुत ही सच है यह क्षैतिज विषय में अगर देखा जाए हॉरिजेंटल में क्षैतिज हॉरिजेंटल स्क्रॉल क्षैतिज चिरक के विषय में और भी ये सत्य है जिसमें आगे हम फिर देखते हैं इन विच जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग जिसमें एक्शन बड़े धीरे से शुरू होता है वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग एक सेक्शन के पेंटिंग का एक्शन एक पेंटिंग के पूरा काम पूरा होने का कार्य धीरे से शुरू होता है देन रोलिंग इट फिर लपटते हुए उसी में जुड़ते हुए अप टू मूव ऑन टू अदर फिर उसी में हो करके दूसरे पेंटिंग पर जाने का कार्य भी स्लोली से होता है एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम और फिर इसमें क्या होता है समय का आयाम जुड़ जाता है डायमेंशन ऑफ टाइम जुड़ जाता है फिर लेखक कहता है विच इज नोन इन एनी अदर फ्रॉम ऑफ पेंटिंग और जिसको विच इज़ अन नोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो किसी दूसरे पेंटिंग से अन नोन होती है हट के होती है इट इज़ आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर चाइनीज पेंटर के पेंटिंग को देखने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर का हो इम्पॉर्टेंस रोल होता है एक दर्शक का उस पेंटिंग को समझने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हु डिसाइड्स जो निर्णय लेता है एट वाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रो द पेंटिंग वो पेंटिंग को किस दृष्टिकोण से देख रहा है इसमें उसका एक विशेष रोल होता है वो पेंटिंग को जैसे चाहे वैसे समझ सकता है अब पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल चाइनीज़ पेंटिंग को देखने के लिए जितना फिजिकल इन्वॉल्वनेंस जरूरी है उतना ही मेंटल भी उसमें जुड़े रहना जरूरी है तब हम उस पेंटिंग को समझ पाएंगे उस लैंड स्केप फिगर को समझ पाएंगे लेखक कहता है द चाइनीज पेंटर द्रगनाथ वांट यू टू बारो हिज आई चाइनीज पेंटर कभी नहीं चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग को उसकी नज़रों से देखें ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड वो ये चाहता है कि आप अपने मानसिक दृष्टि से अपने अनुसार उस पेंटिंग को देखें जैसा देखना चाहते हैं द लैंडस्केप इज एन इनर उसका जो लैंडस्केप है उसका जो भूदृश्य है वो आंतरिक है आंतरिक भूदृश्य है इनर है आ स्पिरिचुअल है एंड कॉन्स स्पेस है आंतरिक है आध्यात्मिक है और कॉन्सेप्चुअल मीन्स होता है वैचारिक विचारों से पूर्ण है वैचारिक है कॉन्सेप्चुअल स्पेस स्पेस है अगला पैराग्राफ दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई यह कॉन्सेप्ट जो है यह विचार जो है संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं लिटरेरी मीनिंग जिसकी क्या होती है माउंटेन वाटर पर्वत पानी से है जिसका साहित्यिक अर्थ क्या है संसुई का पर्वत और पानी हुई यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप जिसका हम साथ में प्रयोग करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए भूदृश्य को दिखाने के लिए भौतिक दृश्य को दिखाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं मोर देन टू एलिमेंट्स इलिमें एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज किसी चित्र के दो से अधिक तत्व मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ व एन इमेज एक इमेज के दो तत्व किसी भी चित्र के दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ये दो पूरक ध्रुव के प्रतीक हैं ये दो पूरक पिलर के प्रतीक हैं दो तो पोल्स के प्रतीक हैं दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स ऐसे भी समझते हैं आगे रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स और ये जो खंभे हैं पिलर हैं पोल्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं जो दाऊ की विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग द डॉइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स दाऊ के विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं अब यहाँ पर फिर से और देखते हैं आगे हैं द माउंटेन इज एंग उसमें जो पर्वत है उसका क्या नाम है एंग पर्वत नाम है रीचिंग वर्टिकली जो लंबवत है रीचिंग वर्टिकली वर्टिकली टूवर्ड्स हैवन जो आकाश की तरफ लंबवत जाता है सीधे जाता है कह सकते हैं वर्टिकली टूवर्ड्स हैवेन स्टेबल वार्म और जो गर्म हो जाता है धूप में गर्म हो जाता है स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन विच द वाटर इज़ इन और जिसमें जो जल है वो क्या है इन है चाइनीज शब्द हैं इसलिए थोड़ा समझने में कठिन लग रहा है हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ जो क्षतिज है वह धरती पर लेटी है हॉरिजेंटिंग होरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्ल्यूड मोइस्ट एंड कोल जो फ्लूड में है यानी कि द्रव में है मोइस्ट है नम है और ठंडी है कूल है द इंटरसेक्शन ऑफ इन इन जो ग्रहणशील है इंटरसेक्शन ऑफ इन ऐसे समझते हैं जल तत्व को समझा रहा है लेखक ध्यान से पढ़िएगा द रिप्रेजेंटिव सॉरी रिस्पेक्टिव फेमनीज एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी इन जो है वो किस रिस्पेक्ट में है किस रिसेप्टिव में है वो फेमनिन एनर्जी को प्रकट करता है इस यूनिवर्स के दैवीय ऊर्जा को स्त्रीयत्व ऊर्जा को फेमनिन शक्ति को प्रकट करता है जो जल तत्व है रिसेप्टिव फेमनिन एप्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट एंग और इसका जो साथी है काउंटर पार्ट है वो क्या है इसका प्रतिरूप जो है वो एंग है एक्टिव एंड मैस्कुलिन एक्टिव एंड मैस्कुलिन ये क्या है इनकी पारस्परिक क्रिया होती है इनकी प्रतिरूप जो प्रतिरूप अंग है इनकी आपस में क्रिया होती है कैसे क्रिया होती है तभी संसार का निर्माण होता है ये कहता है लेखक कहता है आगे देखते हैं इज ऑफ कोर्स आ फंडामेंटल नोशन ऑफ डोराइज्म यही जो है ये ड्इज्म का फंडामेंटल है या डाइज्म का यही एक सिद्धांत है जिसको लेखक ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है इसका और उदाहरण देकर के वो इस पैराग्राफ में समझाता है व्हाट इज़ आफ एन ओवर लुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट्स जो प्रायः देखा जाता है व्हाट इज़ आफ एन ओवर लुक्ड जो प्रायः ज़्यादा विचार किया जाता है उसमें सबसे एसेंशियल चीज़ जो है वो थर्ड एलिमेंट है तीसरा तत्व है जो मध्यस्थता करता है द मिडिल वाइड वेयर दियर इंटर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस जो पारस्परिक क्रिया करता है और अपना स्थान बताता है अपने वजूद को बताता है इंटर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ऐसे समझ सकते हैं कि जो योगिक क्रिया है जिसमें प्राणायाम एक क्रिया है जिसमें हम उस सांसों का आयाम करते हैं व्यायाम करते हैं सांसों का उतार चढ़ाव होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्राणायाम कहते हैं ब्रेथ इन जिसमें क्या होता है सांस खींचना रिटेन उसको रोकना और ब्रेथ आउट फिर सांस को छोड़ देना द सस्पेंशन ऑफ बर्थ इज द वाइड जिसमें सांस का लेना सांस का निलंबन जो है यहाँ पर शून्य है सांस क्या है यहाँ पर शून्य है जिसका कोई मतलब नहीं बता रहा है लेखक द सस्पेंशन ऑफ बर्थ इज ब्रेथ इज वाइड र मेडिटेशन आकर्ष जहाँ साधना होती है मेडिटेशन जहाँ पर होता है आकर्ष होता है द मिडिल वाइड इज एसेंशियल मध्य का शून्य आवश्यक है बीच का संतुलन बना रहना आवश्यक है ठीक है आवश्यक है एसेंशियल है नथिंग कैन हैपन विदाउट इट बिना बीच के संतुलन के कुछ भी नहीं हो सकता हैंस आता है. हैंस इसलिए क्या है द इम्पोर्डेंट्स ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इसीलिए चीनी भूदृश्य में सफेद बिना पेंट किए अनपेंटेड जो स्थान है उनका भी महत्व है इसलिए हैंस मीन्स इसलिए द इम्पॉर्डेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप चाइनीज भूदृश्य में बिना पेंट किए हुए लैंडस्केप में जो व्हाइट स्पेस है उसका भी महत्व है इट इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स आ फंडामेंटल रोल यह यहाँ पर मनुष्य यहाँ पर ही मनुष्य की एक मूल भूमिका है ऐसे समझ सकते हैं दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल यहाँ पर मनुष्य की एक मूल भूमिका है एक मुख्य रोल है उसका वो क्या है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ जो हेवन है स्वर्ग है और जो धरती है इसके बीच में जो स्पेस है उसमें मनुष्य की मुख्य भूमिका है ही बिकम्स द कॉन्डिक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिट्वीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स मनुष्य जो है वह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच में जो दोनों पोल हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है आकाश व पृथ्वी के बीच में वह ब्रह्मांड जो दोनों ध्रुवों के बीच संसार का चैनल बन जाता है उसकी उपस्थिति में मनुष्य का होना आवश्यक है वो उसकी इसीलिए मेन भूमिका है हिज प्रजेंस इज एसेंशियल मनुष्य का प्रजेंस जो है इसीलिए आवश्यक है इवेन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड इसीलिए ये यह सलाह दी जाती है यह विचार किया जाता है सजेस्टेड फार फ्रॉम बींग लास्ट आर ऑपरस्ट बाई द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन फ्रांसिस चेंस वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंड स्केप ऐसे समझते हैं चाहे उसका आभास ही हो ऊंची पर्वत चोटियों के बीच में गुम होने अथवा दब जाने की बात तो दूर फ्रांकोइस चेंग्स की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आँख है हिज प्रजेंस इज एसेंशियल मनुष्य की उपस्थिति आवश्यक है किसी भी चित्र को समझने के लिए मनुष्य का बुद्धिमान होना आवश्यक है इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड यह केवल सलाह दी जाती है आभास किया जाता है फ्राम द बींग लास्ट ऑपरेस्ट बाय द लॉप्टीपिक्स ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम हो जाना ही इज इन फ्रेंकोइस चेंज वांडरफुल एक्सप्रेशन दब जाने की बात तो दूर फ्रां फ्रांकोइस चेंजस की अद्भुत अभिव्यक्ति फ्रांकोइस यहाँ पर फ्रांकोइस चेंज वांडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप जो भूदृश्य है उसकी वो आँख है थैंक्स स्टूडेंट आप चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से आपका कोर्स आपको मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू